Hello everyone, welcome to AptiPlus Academy for Civil Services. This is the video on daily topic wise news analysis where we cover the news from two important newspaper, that is the Hindu and Indian Express. So don't need to read the newspaper. This is the initiative where we put all the efforts to get you the best news that is there in the today's newspaper, and that is relevant for the examination. So examination se jo bhi news zarurat hai usko discuss karunga taki aapka jyada se jyada time save ho sake. You don't need to study the newspaper at your personal level, right? So let's get started with the today's topic. So these are the topic that I'll be discussing with you. Today is 11th of July. So the first topic is Rewa solar project. The other topic is need for fiscal council. The third is extrajudicial killing. And the last topic is cooperative federalism. And apart from this, we'll have MCQ's question and the explanation of yesterday question. जो कल के MCQs के सवाल थे उसके explanation में आज आपको बताऊंगा. So video के अंत तक बने रहें ताकि आपको correct explanation और answer जानने को मिले. और आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब AptiPlus Academy for Civil Services ऑन यूट्यूब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन ऑन दिस वीडियो. सो द फर्स्ट टॉपिक इज रीवा सोलर प्रोजेक्ट. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी एंड द न्यूज़ इज रिपोर्टेड इन द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. आपको ये फ्रंट पेज में मिल जाएगी. बात करें इस न्यूज़ की रेलिवेंस की एग्जामिनेशन से तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड जनरल स्टडीज़ में पेपर थ्री जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एनर्जी रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है. एंड द सेम टाइम आप अगर कुछ ऐसे लिख रहे हैं कहीं आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो यू कैन राइट द पॉइंट देयर एज वेल, राइट? सो लुक एट द डिटेल्स ऑफ दिस. सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द 750 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट. सो दिस वॉज सेटअप इन द रीवा इन द मध्य प्रदेश. रीवा इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द मध्य प्रदेश. और बेसिकली जो हमारा जो टारगेट है जो 175 गीगावाट इंस्टॉल करने की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 2022 तक उसके तरफ ये कदम है. दिस इज समथिंग विच यू नो अ टारगेट दैट हैज बीन सेट बाय 2022 कि वी विल अचीव 175 गीगावाट टारगेट. तो उसके तरफ ये कदम है जहाँ पे इंस्टेंटली विल बी जस्ट गेटिंग 750 मेगावाट्स. सो दिस इज द एशियाज लार्जेस्ट प्रोजेक्ट. मैं आगे आपको बताऊँगा. फीचर्स पहले समझ लेते हैं इस प्रोजेक्ट की. तो ये डेवलप की गई है रेवा उत्तरा मेघा सोलर लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड RUMSL एंड ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है. सो दिस द कंपनी ऑफ मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड इन दोनों के बीच एंड द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI जो है और सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग है इन दोनों के बीच में ये कॉपरेटिव है, ये जॉइंट वेंचर है, राइट? एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 3 सोलर एनर्जी यूनिट्स. 3 यूनिट्स हैं इसमें. जैसे मैंने आपको टोटल बताया जो कैपेसिटी है वो 750 मेगावाट की है, राइट? तो 250 मेगावाट्स जो होगी दैट वुड बी ईच लोकेटेड. और बेसिकली जो 500 हेक्टेयर्स का जो है दैट वुड बी द लैंड दैट इज प्रोवाइडेड टू दिस एरिया, राइट? एंड दिस इज द एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट टिल डेट. आज की डेट में सबसे बड़ी एशिया के लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं. टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर बात करें सो दिस इज वेयर अ प्रीलिम्स क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड. और UPSC इस तरह से सवाल पूछती है प्रीलिम्स में कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, राइट? तो अगर आप देखोगे स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, सो दिस इज 4.52 इन गीगावाट. दिस इज इन द गीगावाट, नॉट इन द मेगावाट. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज इन द गीगावाट, राइट? और अगर बात करें विंड पावर की, सो विंड पावर इज समथिंग 35.14. टॉकिंग अबाउट द बायो पावर, तो बायो पावर 9.92 है और जो सोलर पावर है दैट इज 25.21. सो जो सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है बेसिकली हमारे रिन्यूएबल एनर्जी की तो वो विंड पावर से आती है. तो आप ये एक साइकिल जो है, ये हायरार्की जो है, जो जिस लेवल में रैंकिंग जो है, सो रैंकिंग आप याद रखना, रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नाउ बात करें एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि एक सप्लाई करेगी इंस्टीट्यूशनल तरीके से और आउट ऑफ द कस्टमर ऑफ द स्टेट को भी. ऐसा जनरली होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट किसी स्टेट्स की है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी जो यूजेज हैं, वो उसी स्टेट में की जाती है. बट ये एक ऐसी प्रोजेक्ट है जो आउट ऑफ द स्टेट भी देगी अपने बेसिकली एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को. तो ये दिल्ली मेट्रो के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है जहाँ पे ये 24% ऑफ द प्रोजेक्ट की जितनी जो कैपेसिटी जनरेट होगी वो दिल्ली मेट्रो को देगी और जो रिमेनिंग 76% है दैट वुड बी सप्लाइड टू द स्टेट डिस्कॉम्स ऑफ द मध्य प्रदेश, राइट? और दिस इज द इंडियाज फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट टू बी फंडेड बाय द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड. तो आप जो CTF है उसके बारे में देख लीजिएगा. CTF इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड दिस इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 0.25% फॉर द पीरियड ऑफ 40 ईयर फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक ने हमें इसके लिए लोन भी दिया हुआ है.
Now, this is the first project in the country to break the grid parity barriers, जो है उसको भी break करता है, and it will reduce the carbon emission that is equivalent to 50 lakh ton of the CO2 per year. So, बहुत ज़्यादा अगर बात करें जो carbon emissions हैं उसमें भी reductions होगी. Overall, India की जो targets हैं, जो हमारे SDG targets हैं या जो हमारे climate से related targets हैं global level पे, उसमें भी हमें मदद मिलेगी, right? And it will also receive the World Bank Group President Award for the Innovation of Excellence that was included in the book called Asia of the Innovation, the New Beginning. So these are some of the achievement and advantage of this project. Now the second topic, need for the fiscal council. You can find this editorial in the Hindu. This is by D. Subba Rao. He was a former RBI governor and he talks about the need of the fiscal council. तो फिजिकल काउंसिल से प्रिलिम्स में बेसिकली जो टू स्टेटमेंट सवाल है वो पूछे जा सकते हैं, एंड दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, एंड दिस इज अ एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन जहां पे जनरल स्टडीज में पेपर थ्री में डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं. नाउ द गवर्नर जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट में, उनकी जिस तरह से मैकेनिज्म काम कर रही है, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म काम कर रही है, वहाँ पे ये ज़रूरी है कि एक जो फिजिकल डिसिप्लिन है, जो फिजिकल डिसिप्लिन है, उसमें एक फिजिकल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाए. क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि सजेशंस ऐसा है कि जो फिजिकल काउंसिल है दैट एक्चुअली प्रिडिक्ट्स द करंट जो क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है. और क्राइसिस सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो COVID-19 है उसके बाद ये क्राइसिस अराइज हुई है. द क्राइसिस वॉज देयर बिफोर बिकॉज द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस टर्म्स ऑफ GDP एंड ओवरऑल ग्रोथ वॉज नॉट वेरी वेल बिफोर द COVID-19 एज वेल. तो कुछ रिकमेंडेशंस आई थी 13th फिनेंस कमीशन की तरफ से. तो उन्होंने सब्सिक्वेंटली जब ये रिकमेंडेशन दिया था, फर्स्ट 13th फिनेंस कमीशन ने इनका रिकमेंडेशन दिया, बाद में जो हमारी 14th फिनेंस कमीशन थी उनके उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि भाई जो हमारी FRBM है, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट है, उसको रिव्यू करना चाहिए और फिस्कल काउंसिल बनाने की ज़रूरत है. तो जो 14th फिनेंस कमीशन थे वो हेड किए जाए थे NK सिंह के द्वारा. राइट, नाउ वी आर इन टू द 15th फिनेंस कमीशन. नाउ देयर इज अ नीड फॉर द फिजिकल काउंसिल. व्हाई देयर इज अ नीड फॉर फिजिकल काउंसिल? देखो, एक इंडिपेंडेंट काउंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फिजिकल प्रोसेस विच इज देयर इन द फेडरल, यू नो, इंडियन फेडरल पॉलिटी की अगर बात करें या इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो अभी तक जो चीज़ें हैं वो RBI कैलकुलेट करती है. RBI NSO के साथ मिल करके, जो नेशनल का हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, और बाकी की जो फिजिकल पॉलिसी है वो यूनियन गवर्नमेंट तय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है. राइट, सो देयर इज अ नीड फॉर माइक्रो इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है उसके लिए एक डेडिकेटेड बॉडी की ज़रूरत है जो कि एक्टिवली फंक्शन करे अराउंड द ईयर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई पॉलिसी आए और वो बाई पॉलिसी हो या एनुअल पॉलिसी हो, दैट शुड बी वर्किंग अराउंड द ईयर. राइट, एंड दिस विल मेक एग्जीक्यूटिव मोर रिस्पॉन्सिबल टू द बजट प्रिपरेशंस. तो जो बजटरी प्रिपरेशंस हैं, जो टारगेट्स हैं, जो बेंचमार्क्स हैं, उसको अचीव करने में फिजिकल काउंसिल बहुत हद तक मदद करेगी. एन इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल वुड इवेल्युएट द बजट प्रपोजल्स, इट्स फोरकास्ट, इट्स ऑब्जेक्टिव्स. राइट, तो यहाँ पे जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि वाई फिजिकल काउंसिल इज नीडेड, तो दीज आर द पॉइंट विच यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन. नाउ दिस वुड बूस्ट द कॉन्फिडेंस इन द ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो हमारी जैसे क्रिजल है, मोडी है, ये सारी क्रिजल बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, मोडी एंड फिच. तो ये सारे जो हैं इनके यहाँ से भी बेसिकली नो एक जो सेंटिमेंट्स है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो गवर्नमेंट की जो फिजिकल कमिटमेंट्स है वो तभी दिखेगी जब इस तरह से काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाएगा. नाउ और काउंसिल के मेन फंक्शंस क्या हो सकते हैं? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो 14th फिनेंस कमीशन है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि एक इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल बननी चाहिए, दैट शुड बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द FRBM एक्ट जो है उसको अमेंडमेंट करके फिजिकल काउंसिल बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे न्यू सेक्शन इस्टैब्लिश की जाएगी, उसको अमेंड किया जाएगा एक्ट को, और एक इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल बनाई जाएगी. राइट, and the functioning of the council include the evaluation of the physical implications, ki jo hamare physical implications kya honge, jo budget ke proposals hai uske target kaise rakhne hai, kis sector mein kitne budget allocate karne hai, this is something that has to the suggestion di jayegi, final jo assent ho hoga wo ministry of finance ka hi hoga, because ministry of finance is something that is the sole authority in terms of the regulatory policy. तो वहाँ पे ये सजेशंस दे सकती है, देयर कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल रूल एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रपोजल इन द बजट वुड बी मेकिंग वेरिएबल्स. राइट, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है इस टाइम पे, और COVID-19 के बाद इस तरह की एजेंसीज की, इस तरह के काउंसिल की हमें बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुई है पिछले आने वाले एक साल में और इसकी इम्पैक्ट रहेगी,
और इसको रिकवर करने में कम से कम इंडिया को अभी 3 साल लग जाएगा, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पॉलिसी एक इस तरह से बनाया जाए, एक सस्टेनेबल तरीके से, जहाँ पे काउंसिल के गाइडलाइन में सारी चीज़ों को फॉलोअप किया जाए, राइट। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, जिस तरह से अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो दैट हैव रिसीव्ड द वाइडर पब्लिक अटेंशन। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी जब से बनी है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, उसके बाद लोगों ने बेसिकली द एक्सपर्ट एंड द पीपल आर मोर कंसर्न कि ये कैसे फंक्शंस कर रही है और इंडिया में क्या वॉचडॉग रखे गए हैं। तो अगर MC जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूँ, कमेटी की बात करूँ, तो जो उर्जित पटेल कमेटी थी 2014 में, उन्होंने इसके लिए रिकमेंडेशन दिया था, देन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ फॉर्मुलेटेड। और बेसिकली जो हमारे RBI के जो एक्ट है 1934, उसको अमेंड करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, राइट। टोटल इसमें 6 मेंबर होते हैं, एज यू नो 6 मेंबर की कमेटी होती है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, UPSC ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऑलरेडी MPC पे सवाल पूछ लिया है, तो कुछ अलग स्टेटमेंट बन सकते हैं। नाउ द फिजिकल काउंसिल कुड हैव द सेम फिजिकल पॉलिसी विद रेगुलर मीटिंग एंड द प्रोसीजर्स फॉर द असेसमेंट। नाउ उसके अलावा बात करें जो वर्किंग है फिजिकल काउंसिल की, दैट विल हेल्प इन हार्मोनाइजिंग द फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको पता है इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, दूसरी फिजिकल पॉलिसी होती है। तो FP प्लस MP को दोनों को कंबाइन करके एक कंक्लूसिव और एक ओवरऑल ग्रोथ की जरूरत है इंडिया को, राइट। Now, extra judicial killing, you can find this article in the editorial page of the Indian Express. और ये इस तरह के जो आर्टिकल है आपके जनरल स्टडीज़ 2 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ के साथ इसकी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 4, जहाँ पे केस स्टडी से रिलेटेड आपको डायरेक्ट सवाल जो पूछे जाएंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस तरह के बेसिकली एनालिसिस से, राइट। तो जो रीसेंट विकास दुबे इनकाउंटर हुआ उसमें बेसिकली द रूल ऑफ लॉ एंड द कंडक्ट ऑफ पुलिस वाज इन क्वेश्चन, कि जिस तरह से चीज़ें की गई, इट वाज एन एपिसोडिक थिंग्स दैट हैज हैपेंड एंड इट वाज मोर ऑफ प्रेडिक्टेड फ्रॉम द एक्सपर्ट। कई ऐसे एक्सपर्ट्स जो पुलिस से रिटायर्ड हुए सीनियर IPS ऑफिसर्स हैं, उनका कहना है कि दिस इज समथिंग विच वॉज ऑलरेडी प्लान्ड, राइट। सो दिस इज द इनकाउंटर कल्चर जिस तरह से चल रही है और जो पुलिस को इम्प्यूनिटी दी गई है उत्तर प्रदेश में, so how things will work, whether the justice has prevailed, this is not something that a notorious criminal was nabbed and he was blandly encountered, this is something which has to be there in the rule of law or accordingly follow karne ki zarurat hai. Society alag alag nazariye se isko dekh sakti hai, kisi ka kehna hoga this is right which police has said, but in terms of rules of law, the rules of law was completely not followed by the police, right. So the sanctions of the rule regime has shortened the apparent lack of the popular outrage of the एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है जिसको इनकाउंटर भी कहते हैं, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारी NHRC है, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं, कुछ गाइडलाइन दिए हैं, कुछ प्रोसीजर्स बताए हैं दैट हैज़ टू बी फॉलोड अप ड्यूरिंग द अप्यूज ऑफ द पावर बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो कि पुलिस हो या कोई भी NIA हो, CBI हो, किसी भी तरह की अगर एजेंसी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको अगर ये चीज़ें करनी है इनकाउंटर, एक्स्ट्रा जुडिशियल इनकाउंटर करनी है, तो कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो अप ही करना पड़ेगा। ना सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बता दूं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया था उसमें एक प्ली फाइल की गई थी पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज में जब एक केस फाइल सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कहा कि एक 16 पॉइंट की गाइडलाइन दी उन्होंने, आप इसको गूगल करके 16 पॉइंट देख सकते हो। तो 16 पॉइंट की प्रॉपर गाइडलाइन थी जहाँ पे एक SOP बताई गई, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, उसको फॉलोअप करने की ज़रूरत है थ्रू इफेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इन केस ड्यूरिंग द डेथ ऑफ द पुलिस एनकाउंटर्स, राइट। सो दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी फॉलोड अप। और जो 16 पॉइंट है, अगर आप मेंस में लिखें तो आपको ये 16 पॉइंट वहाँ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बता सकते हो, यू हैव टू जस्ट राइट कि देयर आर 16 पॉइंट विच सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन, राइट। ये आपसे एग्जाम में कभी 16 पॉइंट्स के बारे में पूछा नहीं जाएगा। Now, need for the rule of law, this is a procedures that has prescribed the rule of law for the criminal investigation. और जो constitution के अंदर जो article 21 है, जहाँ पे right to life and personal liberty दी गई है सभी लोगों को, तो उसको जीवित रखना है in a democratic setup in a country like India where rule of law is prevailing and it is the apex, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को follow up करने की ज़रूरत है। Even the state cannot violate this law and it is a responsibility of the police being the officers of the state to कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हैं,
जो हमारे मूलभूत सिद्धांत है संविधान के, उसको अपहोल्ड किया जाए एंड द राइट ऑफ लाइफ एंड इवन इंडिविजुअल की जो राइट्स हैं उन सारी चीज़ों को, whether he is criminal or not, that has to be decided by the court, then only he can be punished, not before that, right? So this is something according to the rule of law. तो जब आपको ethics में आप general studies paper 4 पढ़ोगे तो आपके पास ऐसे ethical dilemmas वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा आएंगे case studies में. तो आपको अपने stand यहाँ पर इस तरह से rule of law के साथ में ही रखना है. You have to be very neutral and you have to write your answer like you are taking a concrete actions. अगर आप decision maker हो, अगर आप police officer, if you are superintendent of police, तो किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करोगे, राइट? सो दिस विल हेल्प यू टू राइट आंसर देयर. नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा किलिंग मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड इंडिपेंडेंटली एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रूल ऑफ लॉ मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड एंड देयर इज अ नीड टू इंश्योर कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी दैट इज अधर्ड बाय द स्टेट अथॉरिटी एंड द मासेस. तो साथ के साथ जो सिटीजन है उनको भी रूल ऑफ लॉ फॉलो करने की जरूरत है और जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं वो भी उस चीज़ को डोमिनेट करें और रूल ऑफ लॉ के साथ ही आगे काम करें. जो NHRC ने एक्नॉलेज किया है कि जो हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है दैट मस्ट बी इमिडिएटली नो रिस्पॉन्डेड और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करने की ज़रूरत है. जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको पुलिस को फॉलोअप करने की ज़रूरत है. नाउ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस इज रिटन बाय दीपक देबरॉन एंड ही इज बेसिकली तृणमूल कांग्रेस मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, दीपक देबरॉन. सो ही राइट्स अबाउट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड यू कैन फाइंड दिस एडिटोरियल इन द हिंदू. तो बात करें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अगेन इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द UPSC ASA पेपर और द जनरल स्टडीज पेपर. तो जनरल स्टडीज में पेपर 2 में ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और प्रिलिम्स में इस पर कोई डायरेक्ट सवाल पूछे नहीं जाएंगे. So there has been huge gap in terms of the finance commission that has promised कि जो स्टेट को जिस तरह से finances चाहिए होती हैं वो एक्चुअल में नहीं मिल रही. जो GST के collections हैं उन सारी बातों को मैं आपको आगे बताऊंगा. बट COVID-19 के pandemic से पहले ही जो economic crisis थी वो एक edge पे चल रही थी एंड द परफॉर्मेंस वॉज नॉट गुड. वी वेर ऑलरेडी डेटोरेटेड. जो हमारे GDP की ग्रोथ रेट थी वो ऑलरेडी काफ़ी स्लगिस हो चुकी थी कोविड से पहले. ना बात करें इश्यूज रिलेटेड टू द डिलेड ऑफ पेमेंट्स, जिस तरह से GST के जो पेमेंट्स हैं उसके बारे में, तो 14th फिनेंस कमीशन ने एक्सेप्ट किया 2015 में कि जो प्रॉमिस की गई थी स्टेट को ज़्यादा फाइनेंस देने की उसको फॉलो नहीं किया गया है एंड दैट द प्रॉमिस हैज़ नॉट बीन टेकन केयर ऑफ. और जो प्रोसेस थी बेसिकली अगर जो बात करें जिस तरह से सर्विसेज सेक्टर में या फिर उसके बाद जो 2 साल के बाद जो हमारी GST इंट्रोड्यूस हुई उसमें भी एक ग्रैंड बार्गेन किया गया है उनके साथ और जो उनके हक बनते थे जो GST के जो लेवेजेस थे जो स्टेट को जाने थे वो उनको नहीं मिले, जो शेयर्स मिलने थे वो नहीं मिले. तो इन रियलिटी अगर टैक्स डिवोल्यूशन की बात करें तो स्टेट्स को प्रॉपर नहीं दिए गए. दिस इज जो 14th फाइनेंस कमीशन ने जो प्रोजेक्ट किया था, जो टारगेट्स दिए थे वो टारगेट्स मीट नहीं किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से. और जो शॉर्टफॉल देखी गई है GST कलेक्शन में 2018-19 में दैट वॉज 22% कंपेयर टू द प्रोजेक्शंस एंड इवन द पेमेंट हैज़ नॉट बीन डन, इट हैज़ बीन डिलेड, राइट? तो सेंटर को एक तरह से बेसिकली सीरीज ऑफ उन्होंने सेस लगाया उससे पहले भी, कोल सेस, एडुकेशन सेस, तो जितने भी सेस लगे उनके जो डिविजिबल पूल थे उसके शेयर्स स्टेट्स के साथ नहीं शेयर किए गए हैं, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ये हमारी काफ़ी एपेक्स थिंक टैंक बॉडी है व्हेन इट्स कम टू द इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इनके मुताबिक 6.84 लाख करोड़ की जो गैप है वो देखी गई है 14th फिनेंस कमीशन के जो प्रोमिसज थे और जो एक्चुअल स्टेट के साथ जो रिसीव हुए हैं, राइट? सो देर इज अ मिसमैच एंड मिस कैलकुलेशन फ्रॉम विच टू विच द स्टेट्स हैव गॉट एंड विच द सेंटर हैज़ प्रोमिस्ड. तो जो जो केंद्र सरकार ने जो प्रोमिस किया और जो राज्य सरकार को मिली है उसमें करीबन 6.84 का गैप है. नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जो कलेक्टिव लॉस है स्टेट GDP का ड्यू टू पेंडेमिक इज 30.3 लाख करोड़ रुपीज और ये स्टेट GDP का 13.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और स्टेट आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड मोर एंड मोर ऑन द टर्म्स ऑफ सेविंग लाइफ ऑफ द सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग वेलफेयर ऑफ द स्टेट. तो कहीं ना कहीं जो पूरी जिम्मेवारी है वो स्टेट की बनती है. तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है वो फंड देने का है, दे शुड फंड द स्टेट गवर्नमेंट ताकि स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से अच्छे से फंक्शन कर पाए. तो सेंटर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द फंड एंड इट हैज़ द नेलिजिबल सपोर्ट. तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे 30 जून को जो स्टेट गवर्नमेंट ने
30 डेज जो रिकॉर्ड्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने 1200 करोड़ बेसिकली 1200 करोड़ तक उन्होंने स्पेंड किया है कोविड 19 को फाइट करने के लिए, बट जो सेंटर से सपोर्ट मिली है वो सिर्फ 400 करोड़ के आसपास मिली है, एंड दिस इज ऑल्सो अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन टू द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स मिटिगेशन फंड विच इज एब्सोल्युटली नथिंग स्पेसिफिकली फॉर द पेंडेमिक। तो अगर आप वैसे सिर्फ पेंडेमिक की बात करोगे तो उनको नहीं दिया गया, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अगेन पार्शियल व्हेन इट्स कम टू द अदर पार्टीज विच हैव स्टेट रूलिंग। अगर वो जो सेंटर में जिस पार्टी की सरकार है अगर उसी पार्टी की सरकार उस स्टेट में नहीं हो तो उसके साथ भी डिस्पैरिटी की जाती है। तो ये सारी चीज़ों को देखने की जरूरत है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है सारे स्टेट को एक तरह से डिविजिबल पूल देने की जरूरत है। ये नहीं होना चाहिए कि जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है उस स्टेट में ही उनको शेयर ज़्यादा मिले, जिसमें नहीं है उस स्टेट को कम शेयर मिले। दिस इज समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली यू नो दिस इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, एक डेडिकेटेड चैनल है जहाँ पे आपको हर सुबह क्वेश्चंस मिल जाएगी और अपने आंसर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ही भेज सकते हैं, राइट। जो भी कॉपी रिसीव होगी उसको आपको टेलीग्राम चैनल पे ही फीडबैक दे दी जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस लिंक को ज़रूर चेक कर लें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। नाउ आंसर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कल के सवाल है उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। तो जो पहले सवाल हैं उसके आंसर हैं, करेक्ट आंसर है वो है ए, और एक जो एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट दैट द पल्लव किंग हु सक्सीडेड इन द चालुक्य किंग वाज अ पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया एंड दे वर पैटर्नाइज एट और पेंटिंग एट द कांचीपुरम टेम्पल वर पैटर्नाइज बाय द पल्लव किंग। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, विद व्हेन द पांड्या किंग रोज टू पावर दे टू पैटर्नाइज द आर्ट एंड तुरुमापुलम केव एंड जैना केव इन द सितानासविल आर सम ऑफ द सर्वाइविंग एग्जाम्पल, राइट। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट जो क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है उसमें मिल जाएगी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे जो भी आंसर है वो है ए, द करेक्ट स्टेटमेंट दैट द चार्टर ऑफ 1600 ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग थ्रू द केप ऑफ गुड होप, राइट, थ्रू द केप ऑफ गुड होप, दिस इज फॉर 15 ईयर्स। जो स्टेटमेंट टू है वो इनकरेक्ट है कि द चार्टर प्रोवाइडेड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर एंड 24 मेंबर इलेक्टेड बाय द गवर्नर गवर्निंग बॉडी ऑफ द मर्चेंट फॉर्मिंग द कंपनी एंड द कमिटी लेटर नोन टू बी नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन जो है ये आपको मॉडर्न इंडिया के क्लास 11th एनसीईआरटी में मिल जाएगी जो बिपिन चंद्रा की बुक है, राइट। ना बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो जो पहला सवाल है वो इकोनॉमी से है, तो आपको कंसीडर करना है दो स्टेटमेंट रिलेटेड टू द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है उसके रिगार्डिंग, ये करंट में भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इट अलाउज द कस्टमर फॉर प्री ऑथोराइज ट्रांजेक्शन एंड पे लेटर डेट, इट विल सर्व एज एन एडिशनल डिजिटल चैलेंज एक्सेस टू द ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस वुड बी हेयर, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, द स्टेटमेंट 1, 2, C और D, दिस इज द टेक्निकल एरर, राइट, सो डू इग्नोर इट। सो आपको जो अपना करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बताना है, राइट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉलिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर फॉर द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सो विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए बी C or D. So whatever you feel is the correct answer, do write your answer in the comments down below, right? And we have started mock test series where 25 tests has been provided at affordable price. So do check the description section of this video because it is very important that you practice more and more prelims question before you appear for the real examination, right? And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.